हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको जो ऑफर लेटर मिला ये ओरिजिनल है या फेक है? जो भी कंपनी का ऑफर लेटर आपको मिला, ये कंपनी सच में है या नहीं है? ऑफर लेटर चेक करने के लिए हमेशा मैसेज मिलता रहता है, तो आज के वीडियो में मेरे पास है, मेरे हाथ में एक ऑफर लेटर जिसे हम चेक करेंगे। इसमें क्या क्या डिटेल्स रहता है एंड ये ओरिजिनल है या फेक है, कैसे आप पता लगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल को पहले बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ऑफर लेटर, तो जैसे मेरे हाथ में एक ऑफर लेटर है, आपको भी जो ऑफर लेटर मिला है उसमें क्या क्या रहना चाहिए या क्या क्या रहेगा, ये सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो ऑफर लेटर है मेरे हाथ में, इसका जो टॉप में कंपनी का नाम है, जो भी कंपनी है का ऑफर लेटर है, ये कंपनी का सबसे टॉप में नाम है। उसके बाद इसका लोगो है, ओके। उसके बाद में आता है इसका एड्रेस, पूरा एड्रेस रहेगा। यहाँ पे भी ये कंपनी है, वहाँ का पूरा एड्रेस है इसमें। उसके बाद कंपनी का मोबाइल नंबर है, कंपनी का ईमेल आईडी, ये जो डिटेल्स है ये आपको हर एक ऑफर लेटर में मिल जाएगा। कंपनी का लोगो, कंपनी का नाम, कंपनी का मोबाइल नंबर एंड कंपनी का ईमेल आईडी, ये आपका ऑफर लेटर में रहेगा। उसके बाद है डेयर, जिनका ऑफर लेटर है उनका नाम लिखा हुआ है। उसके बाद है रेफरेंस एप्लीकेशन नंबर, एक रेफरेंस एप्लीकेशन नंबर है इसमें, ओके। उसके बाद है कॉन्ग्रेचुलेशन, वी आर प्लेस्ड टू कन्फर्म यू हैव बीन सिलेक्टेड टू द वर्क फॉर, कंपनी का नाम। उसके बाद We are delighted to make you the following job offer. हम लोग चेक करेंगे उनको क्या ऑफर दिया गया है। पूरा ऑफर नीचे रहेगा, जो भी ऑफर दिया गया है पूरा ऑफर नीचे लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे। The position we are offering, driver. उनको ड्राइवर के लिए ऑफर किया गया है। उनका सैलरी 150 KD पर मंथ, 150 KD का अच्छा सैलरी होता है अगर कंपनी आपको वीजा देकर लेके आ रहे हैं। इस द कॉन्ट्रैक्ट पोजिशन ऑफ द 2 years इन विच यू टू कम्प्लीट योर वर्क, ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्ट रहता है, 2 साल बेस्ट है। कभी कभी 3 साल का हो जाता है, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आ सकते हैं, 2 साल बेस्ट है। उसके बाद दिस इज सर्टिफाइड डेट, कंपनी का नाम, इज रिक्वेस्टेड टू अरेंज एंड प्रोवाइड मेडिकल रिपोर्ट ऑन डेट दिया गया है ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। आपको आपका मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करना है। मेडिकल रिपोर्ट मतलब टेस्ट मेडिकल रिपोर्ट। उसके बाद आपका वीजा का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपको वीजा मिलेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे, प्लीज चेक द डिटेल्स रिगार्डिंग द वीजा, इफ यू आर एग्री ऑन ऑल द टर्म्स प्लीज साइन एंड रिवर्ट। मतलब ये जो ऑफर दिया गया है, वीजा का जो ऑफर है पूरा नीचे दिया गया, अगर आप एग्री है तो आप ये ऑफर लेटर में साइन करके आप ऑफर लेटर वापस भेज दी। तो ये जो ऑफर लेटर है इसको आप साइन करके बाय मेल के थ्रू उनको वापस भेज सकते हैं। अभी हम लोग चेक करेंगे क्या ऑफर दिया गया है इनको, पूरा ऑफर रहता है, क्या क्या ऑफर है पूरा रहेगा, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट का टाइमिंग कितना है, मिनिमम ऑफ 2 years, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्वेट, अगर आप सऊदी हो, किसी भी कंट्री का हो, आपका यहाँ पे लिखा होगा प्लेस, ये क्वेट का है इसलिए क्वेट लिखा हुआ है। ट्रायल पीरियड 2 months, 2 months का ट्रेनिंग होगा। वर्किंग आवर्स 8 hours ए डे, 5 days ए वीक, डेली 8 hours ड्यूटी है एंड वीकली 5 days का ड्यूटी है, 2 दिन का छुट्टी है। क्वेट में जो छुट्टी रहता है 2 दिन का रहता है, अगर वो गवर्नमेंट कंपनी हो तो। उसके बाद एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाई कंपनी, रहने के लिए कंपनी प्रोवाइड करेगा। ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड बाई कंपनी, ट्रांसपोर्टेशन भी आपको कंपनी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद कंडीशन ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनल सेटलमेंट का, जो मतलब फाइनल सेटलमेंट होगा, आप इंडिया जा रहे हो फिनिशिंग करके या किसी भी कंट्री से आप आए हो फिनिशिंग लेके आप जा रहे हो, उसका उसमें आप एज पर क्वेट लेबर लो, क्वेट में जो रूल्स है उसका हिसाब से आपको क्लियरेंस दिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल, मेडिकल प्रोवाइडेड बाई द कंपनी, मेडिकल का जो भी खर्चा आएगा कंपनी प्रोवाइड करेगा। एयर टिकट फ्रॉम इंडिया टू क्वेट, इंडिया से आप क्वेट आएंगे वो भी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी है, ये जो ऑफर लेटर है इसमें कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद लीव बेनिफिट, मतलब आप छुट्टी में जब जाओगे एस पर क्वेट लेवर लो, यानी क्वेट में जो रूल्स है उसका हिसाब से आपको कंपनी देगा। उसके बाद नेशनल सेफ्टी प्रोविजन, ये भी एस पर क्वेट लेवर लो। सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन इंक्लूडिंग कॉम्पेंसेशन फॉर इंजुरी एंड डेथ एस पर क्वेट लेवर लो, यानी क्वेट का जो रूल का हिसाब से है वही हिसाब से आपको मिलेगा। ओवर टाइम 4 to 5 hours, ओवर टाइम 1.5% पॉलिसी पर आवर, मतलब 1.5% दिया जाएगा पर घंटे का। अभी आप लोग हिसाब लगा सकते हैं, अगर 150 KD सैलरी है, 8 hours का ड्यूटी है,
तो पर आवर का कितना हो जाए। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर एक घंटा का आपका 8 आवर्स ड्यूटी में एक घंटा का आपका 1 केडी हो रहा है तो यहाँ पे आपको 1.5 केडी मिलेगा। ये सब ऑफर उनको दिया गया है, पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है, टू कन्फर्म डेट यू आर एग्री टू द टर्म स्टेटेड इन दिस लेटर प्लीज साइन एंड डेट द इंक्लूज कॉपी ऑफ द लेटर एंड रिटर्न इट टू अस। मैं ईमेल ए स्कैन कॉपी ऑफ द साइन कन्फर्मेशन लेटर, आप ईमेल भी कर सकते हैं साइन करके उन लोगों को। तो अभी हम लोग बात करते हैं, ये जो ऑफर लेटर है इसमें पूरा डिटेल्स में कहा गया है क्या क्या इनको प्रोवाइड किया जाएगा कंपनी का तरफ से, ड्यूटी कैसा है, ओवर टाइम कैसे मिलेगा, ओवर टाइम का जो हिसाब दिया जाएगा कैसे दिया जाएगा, इवन टिकट भी उनको इंडिया से कुवैत का टिकट भी कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आपका भी ऑफर लेटर में ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो जो लिखा हुआ है ऑफर लेटर में सब कुछ आपको मिलेगा। ये आपका एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें आपको साइन करके मेल करना है। तो ऑफर लेटर कैसे रहता है मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अभी हम लोग मेन पॉइंट में बात करते हैं, ये जो ऑफर लेटर है ये ऑफर लेटर ओरिजिनल है या नहीं आपको कैसे पता चले। अभी आप लोग कैसे पता लगाए ये सवाल तो बार बार पूछा जाता है ऑफर लेटर का। तो मैं आप लोगों को एक सिंपल तरीका बता देता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन के थ्रू आप चेक नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन में ऑफर लेटर तो चेक नहीं होता है क्योंकि ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ पे भी आप चेक करें एंड आपको जो लेटर मिला ये देख के भी आप पता नहीं कर सकते हैं कि ओरिजिनल मिला है या फेक मिला है, आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो मैं आप लोगों को एक सिंपल तरीका देता हूँ, जो भी ऑफर लेटर आपको मिलेगा उसमें कंपनी का एड्रेस रहेगा, कंपनी का ईमेल एड्रेस रहेगा, उसके बाद उसमें कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट नंबर रहेगा। सबसे बेस्ट वे है कंपनी का जो ईमेल एड्रेस है इसमें आप लोग मेल कीजिए, ये जो ऑफर लेटर आपको मिला है इसको अटैच करके आप लोग कंपनी में मेल कीजिए, कंपनी आपको रिप्लाई देगा 100%। अगर ये ऑफर लेटर उसी कंपनी का है तो कंपनी से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एंड ऑल्सो जो भी कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है उसमें आप लोग फोन कीजिए, रेफरेंस नंबर दीजिए, वो लोग चेक करके आपको बता देंगे कि ये सच में वही कंपनी है या नहीं। अगर आपका कोई रिलेटिव कुवैत में रहता है, आपका कोई फ्रेंड रहता है कुवैत में, तो उनसे आप चेक करा सकते हैं, यहाँ पे भी वो जाके चेक कर सकते हैं आपके लिए। देखिए अगर आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, अभी दूसरा कोई बंदा आपके लिए चेक करने तो नहीं जाने वाला है क्योंकि हर कोई यहाँ पे जॉब करता है। अभी अपना जॉब छोड़ के हफ्ता में एक दिन छुट्टी मिलता है, अभी आप लोगों के लिए जाएगा तो उसके लिए भी परेशानी है। तो एक काम कीजिए, आप लोग वही नंबर पे कॉल कीजिए, आप लोग कंफर्म कर सकता है। अभी आप लोग सोचेंगे कि इंडिया से कुवैत का नंबर पे कैसे फ़ोन करें, तो बहुत सारा ऐप्स मिल जाता है, प्ले स्टोर में आपको बहुत ज़्यादा ऐप्स मिल जाएगा जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल कॉल कर सकते हैं। आप कॉल कीजिए, पूछिए, रेफरेंस नंबर देखें, बस यही एक तरीका है आपको जानने के लिए कि आपको जो ऑफर लेटर मिला या ओरिजिनल है या नहीं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, थैंक यू सो मच।